अवामी इल्जाम हैं जी के बाल सवेरे 10 कनू शाम 7 बजे तक बैठ रह गए जी पूरी तकरीब जी उन्हें को कुछ नहीं खवाया पिलाया गया जी जी तो सौ था मौजूद है बिल्कुल मैं फर्स्ट स्टेज बैठा जी हां जजेस हजरात दी कारकर्दगी नु जी तुसा ईमानदारी गल करे मुतमईन हो ना मैं कोई नहीं मुतमईन सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जब वखरी गल मोहम्मद हुसैन खान नाल मैं तो मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान नाज़रीन आज दे जेड़े सारे मेहमान हैं सारी तहसील जतोई बल्कि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ दे मैनाज उस्ताद मोहतरम महकमा तालीम नाल वाबस्ता हैं सरदार मोहम्मद हबीब खान गजरानी से मौजूद हैं जेड़े ओनर हैं अल अजहर पब्लिक मिडिल स्कूल झुगी वाला दे अदी सारी गुफ्तगु टॉपिक है महकमा तालीम थे इन्हें दा इदारा भी पैफ नाल मुंसलिक है पैफ दे मामला जिसूँ खास तौर पर गुज़िश्ता दीवारा पहले तहसील जतोई प्रॉपर सिटी च निजी होटल से एक तकरीब तकसीमे इनामात दी वह भी तकरीब मुनद की गई है उन तकरीब को डिस्कूँ हबीब खान गजरानी से मिल मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम सही वालेकुम अस्सलाम जी क्या हाल है ठीक है दुआएं अल्लाह की रहमत सब ठीक जनाब खान साहब तुसा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती वक्त कढ़े मैं तो शुक्रिया अदा करे सा ठीक जनाब सर साहब तुसा बजात खुद महकमा तालीम नाल कितना अरसे तो वाबस्ता हो जतोई कितना अरसा तुसा अपनी खिदमत से अंजाम दें अजकल तुसा कितना पढ़े निकले जी सर ग्रेजुएशन सर मैं 96 एज मुकम्मल की थी डिग्री कॉलेज अलीपुर तो बीए जी हाँ माशाल्लाह हूँ तो बाद जनाब मैं सिलसिला तालीम प्राइवेट शुरू की थी आई ठीक है तकरीबन 10 साल सर जब ये पढ़ाए मुख्तलिफ स्कूल हैं यानी अच्छा माशाल्लाह जी जितने भी स्कूल हैं तकरीबन 10 साल पढ़े रह गए उनके बीच चाहे अलकादर वो हैं जितने भी स्कूल जितना स्कूल हैं तो 10 साल मुसलसल शहर पढ़ाए जी हाँ शहर पढ़ाए राशिद मिनास पढ़ाए ओडे पढ़ाए जितने भी स्कूल हैं तकरीबन जो दे ये सर मैं पढ़ाते 10 साल अपना वाला झुगिया ले चले गया हम ठीक है ऊन टाइम वाला 2008 सर मैं अपना निजी स्कूल खोलिया तकरीबन एक साल बाद मेरा स्कूल वाल पैफ थी गया 2008 अच्छा माशाल्लाह ते ही टाइम तक 15 साल तो सा पैफ नाल रिलेटेड हूँ माशाल्लाह जनाब उन की तादाद कितना है स्टाफ कितना है जी सर ही टाइम स्टाफ सर सारे कने 10 तादाद सारे कने सर तकरीबन 150 के करीब है माशाल्लाह सर से कॉमन जो सवाल है लोग के अंदर इल्जाम हैं कि पैफ मालकान को असातज़ा कराम वास्ते तनख्वाह ज्यादा मिल दें जी लेकिन वो उस्ताद स्टाफ को तनख्वाह घट दे दें इन कुछ हकीकत है यह हकीकत क्या है जी सर इन सर रियलिटी है हकीकत है कि वाकई उस्ताद तनख्वाही बहुत कम है उनकी वजह है कि साढ़े नाल जेड़ा है ना उन्हें दा एक फी बच्चा फिक्स होने लेवल वाइज ठीक है कहीं भी मिसाल के तौर पर प्राइमरी पोर्शन है तो 550 रुपया अदा करें ठीक है मिडिल है तो 6 करें 6.5 करें तकरीब जी में आता है ठीक है उन्हें भी जो असान जो फंड देने उस्ताद की तनख्वाह बहुत तरीके की हुई अच्छा ठीक है वो पिछू कोई नहीं होती तनख्वाह बनी हुई कि वो साकू पे करें वो सारी सवाब देते हैं राइट टीचर से यो एजेंडा उठाया कुछ अर्सा पहले पैफ को आगाह किया सर्वे दे दरमियान जेड़ा टीम मॉनिटरिंग चल रही है टीचर भी सारे डिस्कस करे ने लिहाजा उन्होंने एक चीज से इंप्लीमेंट नहीं किया फंड ना होने की वजह तो जेड़ा ना उन्हें अगले तुहाड़ा बंदोबस्त है तुसा ही करो हूँ सारी सवाब दी थे असा 8 दूँ असा 4 दूँ या असा 10 दूँ या असा 20 दूँ टीचर नाल सैलरी असा खुद डन करे ने हैं और ही चीज की मुकर होंगी हूँ कब्ज़ुल वसूल रिकॉर्ड करे ने हैं सारी पैफ की मोनिटरिंग करती है हर महीने को आते चेक करें वेरीफाई करें बकायदा तसला करें हूँ तो बाद तो असाजा दे बल्कि फोटो भी गेंदते वेंदे उन्होंने सामने करा करते भी आप टीचर्स को तनख्वाह कितनी देते हैं पिक्चराइज भी होती है वो सारा कुछ ठीक है यानी वो असाजा करा मुतमईन होंदे जी बिल्कुल और अपनी रजा नाल ही काम करने पे जी बिल्कुल अपनी तनख्वाह जितना भी होंदी जी हां जितना भी होंदी है तोरे जितने भी असाजा करा हैं उन्हें दी तुसा तालीमी भी शर्त रखी हुई है जी बिल्कुल तालीमी कैटेगरी सर रखी हुई है भी मैट्रिक दे सपोज असा 4000 देने पे हैं अगर एफए या एफएससी है 5.5-6.5 हज़ार देने पे हैं ठीक है सर इवें अगर बी एस सी है तो 8000 देने पे हैं बी एस सी को बी एड है तो 9 भी गिनते हैं कोई सीनियर हैं 10 भी गिनते हैं मिसाल के तौर पर एक टीचर मेरे को 5 साल तो काम करें पे जहर हर साल मैं को ना कुछ वे ना उस जरा पुराना ओल्ड टीचर है वो ज्यादा गिनते नवे आवन की नस्बत नवे को पहले ट्रायल से रखे हैं 7-8 हज़ार देते या 10 हज़ार देते वो अलग होते काम करें तजर्बे की बुनियाद तजर्बे की सर बुनियाद है बहुत खूबसूरत सिर्फ गुज़िश्ता दिवारा पहले ट्रेंडिंग इशू भी है जी एक निजी स्कूल यानी पैफ के स्कूल मुख्तलिफ स्कूल कट्ठे हैं मकामी होटल से तकरीब तकसीम इनामत भी है जी वो तकरीब का मकसद क्या है जी वो कड़ी इनामत तकसीम थोड़ी तफसील जी सर ये मेरे खुशी थी है सर ही साल बड़ी कि पैफ ने सारा
सपोर्ट के हवाले नाल तकरीब मुनाकिद की है जेड़ा कि गवर्नमेंट है जैसा सीखते हैं से ठीक है सागू तो खुशी थी ये प्रोग्राम साल साल तो होने चाहिए राइट लेकिन उन गवर्नमेंट अगू होंगी अस बैक होने वाले तो असं ही पॉलिसी से बड़े खुश थे हैं चंद दोस्तों ने पिछले हफ्ते सागू व्हाट्सअप कॉल की है ग्रुप के बेच हैं ठीक है भी पैफ ऑफिस तो सागू कॉल आँदी भी असं सदा रहें तो अस कन्वीनियर हैं नायब सेक्रेटरी वगैरह वगैरह साहब को नहीं पता कि उन्हें भी उत्तू एक लिस्ट भेजी है पैफ डिपार्टमेंट ने ठीक है वो पैफ डिपार्टमेंट ने भी उन्हें वो फरैज दीते हैं भी तुसा ये ड्यूटी अपने अपनी तहसील से निभावनी है ये तुहाड़े ओहदे ने इतनी रिपोर्ट साहब को पेश करनी है ठीक है तो उन्हें भी मेरे भी बच्चे पार्टीसपेट किए ने झुग्गी वाले तो दो बच्चे किराए अंदर रह गए तहसील से हूँ सारी दो पोजिशन है मैं उन्हें एक आवाज उठी है कि एक पोजिशन सारी अगर फर्स्ट आँदी पी तो सैकेंड दिता गए ठीक है जजेस के मसायल में रह गए राइट ठीक है उन्हें ये है कि टाइम की कमी आई टाइम की कमी होने का मतलब ये है कि बीमार तो दसी गई है भी फलानी बीमार आ वजने ठीक है अगू शेड्यूल तो भी नहीं कहना है क्योंकि बच्चे भी तो नाल हैं साढ़े राइट मैं इन्हें को आधा ले गया भी तुसा ये प्रोग्राम एज ए सीनियर पार्टनर की तरफों अगर वो करो तो दो चीज़ें राह गिनो जी एक दौड़ या रेस है तो बी बीमार तुसा किरत राह गिनो नात खानी ते तकरीर को तुसा दूजे डीएच गेन वनो ठीक है इन्होंने ही के नहीं करा दीते ही की दिमार भाई ये हुन पता नहीं उन्हें अपना कोई रिपोर्ट देवनी है वल्ला आलम ये पैफ डिपार्टमेंट को पता या उन्होंने डेज दीते हो भी तुसा दो त्रे डी अंदर करा सकदो मैनेजमेंट अथॉरिटी कहंदे ने मैनेजमेंट अथॉरिटी सर जरे है ओ गफार लाड़ साहिबान शमशेर अली जाफरी जतोई देन सर ठीक इन्हें कहने इन्होंने अपनी तकसीम की है बाडी कोई फियाज फहीम को तो झुग्गी वाले दीते ने कोई जनाब अली उस्मान डोगर साहब हैं रामपुर तो हुना कुड़ी ठीक है ई तकरीब जेड़ा प्रोग्राम पूरा मैनेज किया गया जी रेस है जी तकरीर मुकाबले सेक रेस है ठीक है नातिया मुकाबले ब्याह के चीज है बस दौड़ है सर लॉन्ग जाम फान मेल फीमेल दे अलग-अलग अलग-अलग मुकाबले थे पूरी यानी तहसील दे थे तहसील लेवल ते थे यानी जेड़े लोग अगू पोजीशन घेनते हैं तहसील लेवल ते नहीं है वो मिस कर रहे थे ठीक है वल हुने दी जाते बे आ गए जेड़े बच्चे वल हुना दे दरमियान मुकाबला थे राइट जी हाँ कितना बाल शामिल हैं सर जी जेड़े मेरी अखी दे विचों गुजरे हैं परसों मैसम होटल दे वे तकरीबन कोई 400 बाल है 400 बाल ने पार्टिसिपेट किए तकरीबन तहसील विचों इतने होटल दे भी मौजूद हैं जी जी होटल दे वे मकामी तकरीब जी जी मकामी तकरीब 35 या 30 बाद मेस्ती गए सन यानी 350 को रूते हैं बाल तकरीबन ये तकरीब कितना बजे स्टार्ट थी ये कितनी बजे तक रहेगी है जी सर जरा साकू आगाही दी गई है भी ओडी हिंदे 10 बजे जड़ा ना कोड़े खाए रेस थी सी ते उत्थां 12:30 बजे पहुंच गए घंटा डेढ़ उत्थां रह गए हूँ तो बाद वाल उन्होंने आखिया भी तुसा हूँ मैसियम होटल इकट्ठे थी तो बालें को बिलहा दीते ने ठीक है तो वो जनाब जी टाइमिंग स्टार्ट थी वो गलबन 1:30 बजे थी है यानी 10 बजे बाल आ गया जी 10 बजे बाल आ गया मुख्तलिफ स्कूलों के बाल जी जी बिल्कुल पहुंच गए उन्हें हिस्सा भी की दे और उन्होंने बिल्कुल कोई रेस भी जीत चुके हैं पहले तो रेस जीत चुके हैं वो घंटे के बीच सारो काम थी गया है इतना डिले क्यों थी है ये सर उन्हें दी मिस मैनेजमेंट आगू जड़ी बॉडीज बनी हुई है कि 2 घंटे 2.5 घंटे उन्हें अरेंज नहीं किया एक पास बिलहा दीते हैं उन्हें दी शील्ड की तकसीम है या कोई मेहमान को दावत रीती बैठे हैं डिप्टी डीओ साहब भी हैं सारे वो तकरीबन 2 बजे को बाद हैं जिन्होंने उन्होंने आखिया भी 12 बजे हो सन ठीक है वह भी लेट हैं आसिफ सलीम साहब साढ़े अपने बिरादरी के माया नाज तालीम आसिफ सलीम अलीपुर तो उन्होंने आना वह भी हैं 3 बजे तकरीबन ठीक है वो तो बाद जो सारे प्रोग्राम हुए वैसे तो शुरू रह गए 1:30 बजे को बहरल थे बड़ी लेट नाल जिन्होंने बड़े जल्दी शुरू होना वो नहीं थी या तो शेड्यूल हो गया कि अज जो ना 2 प्रोग्राम 2 बजे तक जिम्मे सारी ढही छुट्टी थी सरकारी टाइम के मुताबिक असा वो करके ना नैक्सट अगले दिन बे आ वजे ना ठीक है ये हम पता नहीं वल्ला आलम इन्होंने क्या किते ठीक है क्यों ये किते ने बी उन्होंने क्या मसला है ये तो वाल हमने कोई पता हो पूरी तकरीब पूरी सरमनी पैफ की तरफों कोई फंडिंग थी सर पैफ दी फंडिंग ते ए हुना दे दरमियान गाल हो सी असा ते हे कहूं अननोन टीचर यानी साकू जे पता कह नहीं ना सही बॉडी दा हिस्सा हूं असा फंडिंग दीती 1000 फी स्कूल तहसील ते इना लोगा ने 1000 फी स्कूल की दे ते साकू अपना एडमिन किते ने क्लास कितना स्कूल हन ए तकरीबन तहसील दे होंडे गिनो सर जी कोई 150 200 स्कूल तो हो सी सर
इन दूसरे स्कूल हो तो 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपये जी, पर स्कूल 1000 रुपये की दर स्कूल है। अवामी इल्जाम हैं जी के बाल सवेरे 10 कनों शाम 7 बजे तक बैठ रहे गए जी, इन पूरी तकरीब जी उन्हें को कुछ नहीं खवाया पिलवाया गया जी जी, तो सो था मौजूद है बिल्कुल, मैं फर्स्ट स्टेज बैठा हूँ। क्या पहले पहले मैं क्या हकायक है अगाई सर, ये है कि हकायक हैं कि जेरे अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने अपने बालों को खवाए पिलवाए, जेरे कहना हैं उन्होंने ना खवाए पिलवाए थे ना मौका ही नहीं दीते, ये तो सर बैठे रह गए बाउंड की बैठे रह गए ना सर, और ये गिनो कि हूँ मैं तो दस इतनी कसीर तादाद 100 या 150 बाल हूँ को 2 मिनट भी वो जोरे रीत लहा गिनते हैं स्टेज को भी तू वहाँ तेरे 2 मिनट टाइम है, उन्हें को पूरा टाइम भी नहीं दिता स्टेज तू तले लहा गिनते हैं, इतों तो पोजिशन के भी गड़बड़ थी नहीं रह गई है सर, इया गल तो असा पिटते रह गए। मिसाल के तौर पर एक बाल ज नाद का पूरा वो जरा ना फिक्र खत्म नहीं सी किया, वो टाइम थी गए को हलाया गया भी आप चले जाए जी, उन्हें नाल क्या थिया उसी कि एक जज्बे दे नाल बाल आए मेहनत करते हैं सात रीत खुद भी ख्वार थे हैं शाम सवेरे को करें रह गए हैं, वालदैन को भी टाइम की दे सर सारे स्कूल तू भी टाइम निकते सही है, उनकी मुराद यही कि मैं अपना पूरा कलाम पेश करा सुनावा उनकी आशीर्वाद गिना या जी में गवर्नमेंट लेवल पूरा फाइनलाइज जे थी नहीं थी ना वो थी नहीं थी ना, यानी हुकू शॉर्टली किया गए ते मकसद टाइम थोड़ा जहाँ अगू तो मिलना चाहिए, इन्हें का दीवार एक भी बड़ा बना नहीं बना के ना दो दीवार ना त्रय दीवार ना काम एक नहीं थी आगे इवन ना जी हां मिस मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट आ को शेड्यूल मीनो नहीं था आके इन द मतलब अगर जे मेले गेंद ते आया साकू आगा करे ना साकू एक टाइम टेबल देवे ना वीनो देवे ना भाई 12 to 1:30 के दरमियान तुम्हारी ब्रेक है जिम्मे होते तुम अपना खाना पीना असा कहना देसू तुम अपना खुद अरेंज खुद अरेंज कराए हाँ या अपना वालदैन चावन या बाल खुद खावे बहुत जबरदस्त सारे को तो उन्हें 1000 गेंद की दे सारे जहन ये खुद खावे सैन उथा बाले को कुछ ना कुछ यार पीस चावल कुछ ना कुछ बिल्कुल बिल्कुल मासूम जे बाल हैं 15 साल तक एज जन सा और एज ए ओनर शाम को जेंजले मैं गया मेरा बच्चा सेक्रेज फर्स्ट पोजीशन की दिए आसिम कलम जान प्राइमरी पोर्शन दे वेज तहसील दे वेज, मैं जंजले शाम को गया हूँ वालिद मेरे नाल खुद नाराज़ आ मेरा खुद फोन बंद थी गया सर जी असा 6-7 बजे तक जो बैठू सारे चार्जिंग कितना करूँ असा तो सामने बैठू उन्हें बच्चों को सुनते बैठू हर बच्चा सारा अपना बच्चा जितने भी आया बैठे बिल्कुल कंपीटिशन में हिस्सा की थी बैठे सारे मोबाइल सैलेंट वालदैन पिछू वाकई फोन करें रह गए रबते मुनकते थी गए असा तो इतना बैठू वाल जंज लगी वो कावड़े खड़े बाल ए वालदैन उन्होंने आगे भी सारे नाल तुसा क्या किते मैं अपनी गाल करें बेटा बिने दी मैं बिल्कुल 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 उ नाराज हैं उन्हें आगे जी इो आ रह गया अगू तो बाल भिजे ने गए नहीं भावे तुसा जो आखो सही बड़े हैपर हैं सारे नाल यानी मनावना पै गए जी तक देखो जी हाँ तो ना रोटी मिली है ना उन्हें को नाश्ता मिले ना कुछ मिले तो वल्ला आलमो घर चु जो कुछ करते हैं करते हैं सारे जहने च यही जो पिछली दफा जिमें मकामी लेवल झुगे वाले प्रोग्राम 2 बजे 2:15 बजे खत्म थी गया भी 2:15 बजे खत्म थी वे सारे को सवार हैं त्रै बच्चे हैं या 4 सारे स्कूल दे फौरन 2:30 बजे घर पुचा टाइम ते चादर घर पुचा दे सारे जहने च ये है ते बाकी वालदैन दिया गाले ते राइट हैं इन्हें को डिनाई नहीं से कर सकते क्योंकि आखरत है जो वजने अल्लाह को जवाब दे उन्हें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर ये हुण पैफ डिपार्टमेंट को पता कि उन्हें फंडिंग इन्हें को की है या नहीं की थी। सही गल है मकामी लेवल तो इन्हें फीस स्कूल 1000 की उन्हें बेच उन्हें शील्ड दी है ये प्रोग्राम पेश किए बाकी जड़ा हे फंडिंग के लिहाज न आसिफ सलीम वसूख जराय मैं बैठा कि उन्होंने भी इन्हें को फंडिंग वास्ते एग्री हिन पे जी जी फंडिंग वो भी करे से जेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं जी सर ता हक बनदा ही 1000 की देने तकरीबन 2 लाख रुपया अगर मेहमान ने गिरा वो फंडिंग करें तो रिफ्रेशमेंट करी वे थोड़े जहाँ बाल हैं जे पार्टिसिपेट करने वाले हैं चलो जे देखने वाले हैं उन्हें को सनी याद है चलो जे पार्टिसिपेट हैं 4-4, 5-5 स्कूल एक स्कूल ही चु बाल आया बेटा तकरीबन तहसील दे 40-50 स्कूल तो हैं सर जी लाजमी हैं राइट जी जनाब हुणी उत्थां पोजीशन दित्तियां गईं जी हाँ जजेस हजरात की कारकर्दगी नूं जी तुसां ईमानदारी नाल गल करा मुतमईन हो ना मैं कोई नहीं मुतमईन सर यानी जड़ी हेकलू जहीं ते इवें ऐन चीज़ा हेकलू पोजिशन उत्ते तले थी गए कम अज कम जे फर्स्ट आने उन्हें सैकेंड करा दिता गए सैकेंड को थर्ड करा दिता गए मैं ये गुजारिश करे सा मकामी बंदियों को हटा के जे हीले वाले हैं वो अपने स्कूल दे पोजिशन गेन देंगे भी इन्हें को डिनाई कर देंगे मैं अपनी गाल नहीं करेंदा बेटा बिल्कुल मैं एक बेस दी जी एक पार्टनर मेरे सामने है सर वो इवें चीखदा पिया भी तुसा जेड़ा साहब को मैसेज किए तुसा हुंदे मुताबिक कैनवे मेल फीमेल का तुसा अलहदा आख्या तुसा कट्ठे करवेंदे पियो वाल हूँ को भी थोड़ा जहाँ अलहदा असा तरतीब उन्हें आखिर रिक्वेस्ट की उन्हें कराए ठीक है लेकिन जजेस के सही इंतजाम ना होने की वजह तो
पोजिशन इन द ऑफ्स राइट एंड सर जी राइट बेशक मेरे दो पोजिशन एंड फर्स्ट सेकंड मैं वो नहीं आता बेटा मेरी सेकंड भी फर्स्ट ते आई मैं डिनाई की थी बेटा मैं बे स्कूल दे हक के ज्यादा बेटा एक दो स्कूल एंड आली में थे जाती थी ये जी हां वो जड़े आधे रह गए और उन्हें जो पोजिशन मैं रिक्वेस्ट करे सा जिले लेवल ते बिल्कुल, 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 बिल्कुल। जिले लेवल ते कमेटी उठा नवी बनाई बने और पेफ पार्टनर दा नुमाइंदा होवन लाजमी होई उठा पेफ पार्टनर दा नुमाइंदा जेले होसी सर उन्हें दे नाल बिल्कुल मकसद गलबात थी सी ठीक है सर वो सामने मौजूद हो सी लाइव दे पे हो सी जी बिल्कुल और दे बैठे हो देन पॉइंट्स के देन क्या है वाल उठा ते राइट्स मिल से यानी बाल ने ज्यादा नहीं थी सी जी इथा जेस की लाठी हो उसकी भैंस वाला मुहावरा थी इथा ठीक है जेनी ताकत है जेना असर रसूख है वो अगू नॉमिनेशन भी करवेंदा पे सर्टिफिकेट भी गेंदा पे तस्वीर दे अगू भी अंदा पे नुमाया करेंदा पे और दसो मेरे दो पोजीशन हैं जेंजले मेरे स्कूल दा अलजहर दा ना है झुगी वाले दा फियाज फहीम साहब मेरे स्कूल दे नाल हैं हुन मैं उन्हें को क्या खां वड्डे हैं ठीक है सी असा उन्हें को बुला भी कदर दी निगाह नाल दो उथा दाऊद बच्चा है मेरा सेकंड पोजीशन अगर वो गेंदा पे ते उ को आदे भी दाऊद कौन है ठीक है जी स्कूल दा ना रिप्लेस कीता गे भी दाऊद केड़े स्कूल दा है जनाब तुहाडे कने लिस्ट मौजूद लिस्ट मौजूद हर चीज मौजूद है स्कूल दा नाम मौजूद है तुसा फैसला किवें करेंदे पियो जजेस क्या करेंदे बेटे उन्हें स्कूल फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगराइज नहीं कीती ते क्या कीते दो घंटे ही टाइम दे दरमियान ठीक है सर वाल मैं इथा आवाज उठाइए मैं के सर जी तुसा ए करेंदे पियो क्या है मेरे को आदे ओ भी तुसा लगे वने हाल ही चो मेरे सामने यानी उथे ही आदा पे एक सीनियर पेफ पार्टनर बिल्कुल बिल्कुल ही कनु भी पहले दा स्कूल मेरा रजिस्टर बिल्कुल ते ठीक है सीनियर पेफ पार्टनर को आदा पे तुसा चले वजो ओपन करके आदा पे स्कूल दे विच यानी इतना तय कीती वेंदी पे बच्चे दे सामने असाजा दी तजलील कीती वेंदी पई है कोई शोर का नहीं जब सारे च ये हाल है ते असा बाल को क्या मैं मार दे सुन ने को डेवलप करे बिल्कुल 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 ठीक है सर जी ये को सोचना चाहिए पेफ पार्टनर को भी असाजा को भी उन्हें दा कोई मकाम होंदे कोई गाल होनी है कोई इज्जत होनी है ਅਸਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਹਰ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਯਕਸਾਂ ਪਲੜੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸੋ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਲਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਲਮ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਅਸਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲਮ ਹੈ ਸਾਕੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਇਲਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੇ ਪਿਓ ਅਜਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕਮੇਨੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਕੂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸਿਰੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਛੋੜੀ ਵੈਨੂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਪੜੇ ਸੋ ਇਲਮ ਦੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਖੈਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵੈਲ ਡਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਲ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਬੀਬ ਖਾਨ ਗਜ਼ਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹਨ ਅਲ ਅਜ਼ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੱਸਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਤਦਰੀਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 26 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਥੀ ਮਣਾ ਲੈਣ ਮੁਸਲਸਲ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਦਿਵਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪੈਫ ਮਾਲਕਾਂ ਪੈਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤਰਫੋਂ ਬਲਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਕਰੀਬ ਇਨਾਮਾਤ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਮੁਨਕਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨੇ ਵਿਵਾਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਫੀ ਸਕੂਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ 200 ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਦੀਗਰ ਬਾਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥਿਆ ਗਏ ਔਰ ਜੱਜਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਮੈਨ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਫ ਮਹਿਕਮਾ ਪੈਫ ਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੇਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਫ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਈ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇ ਮੁਸਲਸਲ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਨਿਭਾਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਥੀਵੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਲਮ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਫਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਸੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।